नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। तेजस्वी यादव बिहार आ गए हैं, विशेष अनुमति लेने के बाद वो पटना लौट चुके हैं और इसके बाद फिर से सियासत तेज हो गई है। इस सियासत तेज होने के बाद से राजद के नेता हैं, राजद प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो क्या कुछ कहते हैं आप सुनिए। तेजस्वी यादव जी लॉकडाउन में दिल्ली में थे, फंसे हुए, वो नहीं आ रहे थे तो हमारे विरोधी परेशान थे। वो पटना आज पहुंचे हैं तो हमारे विरोधियों के पेट में दर्द है। पहले तो तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित लोगों का दिमाग का स्क्रीनिंग कराना जरूरी है, क्योंकि इनको ये पता है कि तेजस्वी यादव जी के कारण आज बिहार के जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, वो अपने घर लौट रहे हैं। परेशानियों से तेजस्वी यादव जी के कारण उनको अपने घर पहुंचने का मौका मिला। सरकार ने तो हाथ खड़ा कर दिया था, अब तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता के साथ जिस तरह परेशानियों में खड़े हुए, उससे हमारे विरोधियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन हम अपने विरोधियों को ये कह देना चाहते हैं कि इस संकट काल में बिहार की जनता ने देख लिया तेजस्वी यादव जी का। तो आपने सुना, मृत्युंजय तिवारी ने पूछा है कि आखिर जब तेजस्वी यादव यहाँ नहीं थे तब निशाना साधा जाता था, अब जब वो वापस आ गए हैं तब निशाना साधा जा रहा है, आखिर इतना पेट में दर्द क्यों है सरकार पक्ष के लोगों को। तो तमाम बातें पूछ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। तेजस्वी यादव लौट चुके हैं पटना, लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे हुए थे, ऐसी बातें कही जा रही है। अब वो पटना आ गए हैं, अब क्या होता है सियासत में, कितना घमासान शुरू होता है, तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट कराएंगे। आप बन रहे हैं हेडलाइंस बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।